हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन, जमशेद टाउन में डायरेक्टर से चपड़ासी तक वसूलियां, सरेआम रिश्वतखोरी की फुटेज दुनिया न्यूज पर। पार्टी मामलात पर बहुत सी चीजों की वजाहत का वक्त आ गया, बार बार अदलिया और फौज से ना लड़ने का मशवरा दिया, चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के मुल्तान मेट्रो पर इल्जाम, शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मामले पर 17 रुकनी बेंच बनाने की अपील, सियासत कप्तान के बस की बात नहीं, दरगाह पर बैठे डीजी खान में खिताब। और मुल्तान मेट्रो सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाई गई, सेनेट इलेक्शन में शिकस्त ना देते तो शरीफ खानदान चोरी की इजाजत का कानून बना लेता, कप्तान का लाहौर में खिताब। कराची से आपको अहम खबर दें, आमिर लियाकत हुसैन ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया है। इमरान इस्माइल ने आमिर लियाकत की शमूलियत की तस्दीक कर दी है। इमरान इस्माइल कहते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन जल्द ही पीटीआई का हिस्सा होंगे। इसी पर बात करते हैं, दुनिया न्यूज की नुमाइंदा किरण खान हमारे साथ मौजूद है। किरण, आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ को बुरा बोल बोल कर थके नहीं, लेकिन अब शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। जी बिल्कुल, आमिर लियाकत का जब हमने पूछा तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से कि क्या वो शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं तहरीक इंसाफ में, तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल वो पीर के रोज जब इमरान खान क्योंकि दौरे पर होंगे, इस बार से लेके पीर तक इमरान खान कराची के दौरे पर हैं, तो उनकी मौजूदगी में आमिर लियाकत अपनी शमूलियत का बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। इमरान इस्माइल से जब हमने ये भी सवाल किया कि जिस तरह पीटीआई को आमिर लियाकत ने तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद उनकी शमूलियत का जो फैसला किया गया है, इस हवाले से पार्टी का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये तमाम तरह चीजें हमने एक साइड पे रखी हैं और क्योंकि अब हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और 2018 के इलेक्शन में हम जा रहे हैं, इसलिए उनकी शमूलियत बहुत ज्यादा जरूरी थी पार्टी के लिए और इसका बाकायदा तौर पर फैसला जो ठीक है। किरण, आप साथ ही रहिएगा, इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कराची से उनका ताल्लुक। इमरान साहब, वेलकम करते हैं आपको दुनिया न्यूज में। हम तो समझते थे कि शायद आसिफ अली जरदारी ही इस काम के माहिर हैं, ये तो अब इमरान खान के बारे में भी ऐसा लग रहा है। नहीं, इसमें इमरान खान का कुछ कमर दखल नहीं है। आमिर लियाकत हुसैन से बड़े अरसे से हमारी दोस्ती भी है मेरी और पर्सनली मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ और मेरी तो हमारी पार्टी की ख्वाहिश थी कि इनको पार्टी में तहरीक इंसाफ के साथ होना चाहिए। अच्छा ओरिएटर है, उसको कराची में लोग पसंद करते हैं, उनके इलाकों के अंदर लोग उनको जानते हैं पहचानते हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी पहचान है, तो उनको पीटीआई का हिस्सा होना चाहिए, उससे पीटीआई को भी फायदा होगा और वो पीटीआई की सोच। लेकिन इमरान साहब ये बताइए कि वो बेशुमार फैंस तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो कि आमिर लियाकत हुसैन को माजी में न जाने क्या क्या कह चुके हैं, बुरा भला कह चुके हैं, सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी की तैसी कर चुके हैं, उनको कैसे समझाएंगे आप कि आप कुछ ना कहें, उन्हें वेलकम करें? नहीं जी, देखिए ये आमिर लियाकत हुसैन की भी अपनी वो है चीज कि उन्होंने पहले खान साहब को वो पसंद भी बहुत करते रहे, खान साहब की चीज उनको बुरी लगती है तो वो एक तरीके से उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम उसको ये इसको एक अना का मसला बना के बैठ जाए कि क्योंकि उन्होंने ये बात पीटीआई के खिलाफ की थी लिहाजा उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, हमारे दरवाजे खुले हैं। तो इमरान साहब, आपने कहा कि खान साहब का इसमें कोई किरदार नहीं है, क्या खान साहब की मर्जी भी नहीं है इसमें? मर्जी शामिल है जी, खान साहब की मर्जी बिल्कुल शामिल है। मैंने खान साहब से लास्ट जब आए थे तो मैंने उस वक्त उनसे परमिशन ली थी कि जी मैं आपको अगर इजाजत दें तो मैं आमिर लियाकत हुसैन से दोबारा रब्ता करूं पार्टी में लाने के लिए। उन्होंने ठीक, अच्छा ये सोचा है कि उनको कौन से हलके से खड़ा करेंगे इलेक्शन में? ये तो अभी कोई अनकंडीशनल वो आ रहे हैं, उनसे कोई बात ऐसी हमारी नहीं हुई कि वो कौन से हलके से खड़े होंगे या वो कोई पोस्ट लेना चाह रहे हैं, ऐसी कोई चीज ना उन्होंने कंडीशन रखी है। चले, हम उम्मीद करते हैं, आप कह रहे हैं अनकंडीशनल आ रहे हैं, वैसे आमिर लियाकत अनकंडीशनली चले भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद यही है कि वो आपका साथ दें और जो आपके ख्याल हैं उसके साथ शामिल रहे। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सियालकोट में तफ्तीश के नाम पर बच्ची को पटखने और उसके चचा का हाथ तोड़ने वाले सब इंस्पेक्टर ताहिर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एसएचओ सदर गफलत बरतने पर मौतल हो गया। शायद ये साहिब औलाद ना था। नाम का सब इंस्पेक्टर ताहिर पुलिस के चेहरे पर बदनुमा दाग अपने अंजाम को पहुंचा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। डीपीओ असद सरफराज ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि बच्ची को पटखना अफसोसनाक हरकत थी। सब इंस्पेक्टर ताहिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जो हमने कार्रवाई की थी उसमें सबसे पहले मुअत्तली की गई थी, अब हमने तमाम एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत उसको कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ही इज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड नो मोर पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। बर्खास्त होने से पहले पेटी बंद भाइयों ने बच्ची को पटखने वाले सब इंस्पेक्टर ताहिर को बचाने के लिए बड़े पापड़ बेले, पर कोई हरबा काम ना आया। एक ही दिन में इतनी फुर्तियां, तफ्तीश के नाम पर मुतासरा शख्स समेत 9 अफराद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची को पटखने की वजह पूछी तो सब इंस्पेक्टर ताहिर ने बच्ची के चचा यासीन का बाजू तोड़ दिया। मीडिया पर खबर चली तो सब इंस्पेक्टर ताहिर को गिरफ्तार किया गया और फिर अदालत में पेश कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम सब इंस्पेक्टर ताहिर को बेगुनाह करार दिया गया। अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म देते हुए उसे रिहा कर दिया। बच्ची को पटखने पर मुलजिम सब इंस्पेक्टर ताहिर के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात में शागिर्द ने उस्ताद को कत्ल कर दिया और वालिद के साथ मिलकर लाश कुल्हाड़ी से टुकड़े करके नहर में फेंक दी। पुलिस ने मुलजिम बाप बेटे को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुजरात में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, शागिर्द के हाथों उस्ताद का कत्ल। शागिर्द ने इंतहाई इकदाम उस्ताद की बदसुलूकी से तंग आकर उठाया। पहले उसे फायरिंग करके कत्ल किया, फिर वालिद के साथ मिलकर उसकी लाश के टुकड़े करके नहर में फेंक दिया। खोज लगाने के बाद मुलजिम बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फियाज ने अपने जुर्म का एतराफ किया और बताया कि उस्ताद आसिफ उसके साथ बदफेली करता था, जिस पर उसने उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों मुलजिम बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और लाहौर में कातिल डोर आजाद है। 4 साल बच्ची गले पर डोर फिरने से जां बहक हो गई। उसकी लाश जैसे घर पहुंची तो हर आंख नम थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस मामले के मुतालिक सीसीपीओ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर से उमर जावेद की रिपोर्ट देखते हैं। डोर फिरने का अफसोसनाक वाकया रात गए मुल्तान रोड पर पेश आया। 4 साल मारूख अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रही थी कि यतीम खाना के करीब कातिल डोर इसके गले पर फिर गई। डोर फिरने से बच्ची का वालिद और 2 भाई भी जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर समनाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहाँ मारूख दम तोड़ गयी। बच्ची की लाश घर पहुँचने पर हर आँख अश्कबार थी। ननी परी के भाई जुदाई का सदमा कैसे बर्दाश्त करें इन्हें मालूम नहीं। शिकस्ता दिल बाप का कर्ब उसकी आंखों से अया होता है। डोर आई एकदम हमारे आगे, हमें पता ही नहीं लगा डोर ने हमारे बच्चों की गर्दनें उड़ा के रख दी हैं। हम उसको पकड़ नहीं सकते, उसको संभाल नहीं सके। डोर ने इतनी तेज इतनी मोटी है। इनकी रिश्वत इतनी खत्म होती, ये छोड़ देते हैं गुटिया डालने वालों को। पंचर करवा के 1 मिनट चले यहाँ रास्ते में डोर फिर गई, वो सारे नीचे रगड़े रगड़े गए। पुलिस हुकाम ने गमजदा खानदान को मुलजिमों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। दस्त भी करेंगे और हमने बकायदा इनकी जो भी दादरसी के लिए जो भी दरखास्त पर हमने कार्रवाई भी की है, बकायदा पर्चा दर्ज हो गया। वाके का मुकदमा थाना मिलक पार्क में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल की दफात लगाई गयी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा की पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के वाकयात अफसोसनाक है, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ उमर जावेद, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
کراچی سے آپ کو اہم خبر دیں، عامر لیاقت حسین نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران اسماعیل نے عامر لیاقت کی شمولیت کی تصدیق کر دی ہے۔ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ عامر لیاقت حسین جلد ہی پی ٹی آئی کا حصہ ہوں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن، عامر لیاقت تحریک انصاف کو برا بول بول کر تھکے نہیں، لیکن اب شامل ہو گئے ہیں تحریک انصاف میں؟ جی بالکل، عامر لیاقت کا جب ہم نے پوچھا تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل سے کہ کیا وہ شمولیت اختیار کرنے والے ہیں تحریک انصاف میں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل وہ پیر کے روز جب عمران خان کیونکہ دورے پر ہوں گے، اتوار سے لے کے پیر تک عمران خان کراچی کے دورے پر ہیں، تو ان کی موجودگی میں عامر لیاقت اپنی شمولیت کا باقاعدہ طور پر اعلان کریں گے۔ عمران اسماعیل سے جب ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ جس طرح پی ٹی آئی کو عامر لیاقت نے تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے بعد ان کی شمولیت کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے پارٹی کا کیا کہنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر چیزیں ہم نے ایک سائڈ پہ رکھی ہیں، اور کیونکہ اب ہم الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں اور 2018 کے الیکشنز میں ہم جا رہے ہیں، اس لیے ان کی شمولیت بہت زیادہ ضروری تھی پارٹی کے لیے، اور اس کا باقاعدہ طور پر فیصلہ جو ٹھیک ہے۔ کرن، آپ ساتھ ہی رہیے گا، عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمران اسماعیل صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کراچی سے ان کا تعلق۔ عمران صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو دنیا نیوز میں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید آصف علی زرداری ہی اس کام کے ماہر ہیں، یہ تو اب عمران خان کے بارے میں بھی ایسا لگ رہا ہے۔ نہیں، اس میں عمران خان کا کچھ کم نہیں ہے۔ عامر لیاقت حسین سے بڑے عرصے سے ہماری دوستی بھی ہے میری، اور پرسنلی میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا بھی ہوں، اور میری تو ہماری پارٹی کی خواہش تھی کہ ان کو پارٹی میں تحریک انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک اچھا اوریٹر ہے، اس کو کراچی میں لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے علاقوں کے اندر لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پورے پاکستان میں ان کی پہچان ہے، تو ان کو پی ٹی آئی کا حصہ ہونا چاہیے، اس سے پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا اور وہ پی ٹی آئی کی سوچ۔ لیکن عمران صاحب، یہ بتائیے کہ وہ بے شمار فینس تحریک انصاف کے عمران خان کے، جو کہ عامر لیاقت حسین کو ماضی میں نہ جانے کیا کیا کہہ چکے ہیں، برا بھلا کہہ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی ایسی کی تیسی کر چکے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ کہ آپ کچھ نہ کہیں، انہیں ویلکم کریں؟ نہیں جی، دیکھیں، یہ عامر لیاقت حسین کی بھی اپنی وہ ہے چیز کہ انہوں نے پہلے خان صاحب کو وہ پسند بھی بہت کرتے رہے ہیں، اور خان صاحب کی چیز ان کو بری لگتی ہے تو وہ ایک طریقے سے اس کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں۔ ہماری پارٹی جمہوری پارٹی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات پی ٹی آئی کے خلاف کی تھی، لہٰذا ان کے لیے دروازے بند ہو گئے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ تو عمران صاحب، آپ نے کہا کہ خان صاحب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، کیا خان صاحب کی مرضی بھی نہیں ہے اس میں؟ مرضی شامل ہے جی، خان صاحب کی مرضی بالکل شامل ہے۔ میں نے خان صاحب سے لاسٹ جب آئے تھے تو میں نے اس وقت ان سے پرمیشن لی تھی کہ جی میں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں عامر لیاقت حسین سے دوبارہ رابطہ کروں پارٹی میں لانے کے لیے۔ انہوں نے ٹھیک، اچھا یہ سوچا ہے کہ ان کو کون سے حلقے سے کھڑا کریں گے الیکشن میں؟ یہ تو ابھی کوئی انکنڈیشنل وہ آ رہے ہیں، ان سے کوئی بات ایسی ہماری نہیں ہوئی کہ وہ کون سے حلقے سے کھڑے ہوں گے یا وہ کوئی پوسٹ لینا چاہ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہ انہوں نے ٹھیک ہے۔ چلیں، ہم امید کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل آ رہے ہیں، ویسے عامر لیاقت انکنڈیشنلی چلے بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال امید یہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں اور جو آپ کے خیالات ہیں اس کے ساتھ شامل رہیں۔ بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود۔